तो हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो गया और मस्त हो गया। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त प्रिंस, और स्वागत है आपका क्रिएटो लैब्स के एकदम ही नए एपिसोड में, तड़कते भड़कते एपिसोड में। आज के एपिसोड को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिव्यू लैब के अंदर, और आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं रिव्यू करने वाला हूँ सोनी अल्फा ZV-E10 या सोनी अल्फा ZV-E10 को, जो कि है एक व्लॉगिंग कैमरा और जिसे मैं कह सकता हूँ परफेक्ट व्लॉगिंग कैमरा। वो मैं आगे बताऊंगा क्यों। और ये एक क्रॉप सेंसर कैमरा है, फुल फ्रेम इस बजट में आएगा भी नहीं। तो आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस कैमरा के बारे में, अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद में एक जनरल सेटअप आपको करके बताऊंगा और कुछ सैंपल्स भी इसके आपको दिखाऊंगा। और एक ज़रूरी चीज़ बता दूं कि टाइम स्टैम्प्स भी जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो अगर आप किसी सेगमेंट पर स्विच करना चाहते हो तो कर सकते हो। साथ ही साथ अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, चैनल कर लेना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले एपिसोड के रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उससे। और मेरे चैनल पे 2 giveaways चल रहे हैं आप लोगों के लिए, तो जाओ जाके लिंक चेक करो डिस्क्रिप्शन में और पार्टिसिपेट करो गिवअवेज में। और यहाँ पे ये रहा बॉक्स हमारे सामने, और इसी करते हैं अनबॉक्सिंग पर। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अमेज़ॉन से मैंने इसे ऑर्डर किया है, और बॉक्स की अगर पैकेजिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे एवरेज थोड़ी सी पैकेजिंग मुझे लगी। ऊपर से तुम देख रहे हो थोड़ा सा बॉक्स खुला भी हुआ है या ओपन भी है, तो वो सब चीज़ें चलो छोड़ते हैं, सबसे पहले कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही है बॉक्स के अंदर, और जो मेंशन की हुई थी अमेज़ॉन में क्या वो चीज़ अवेलेबल है कि नहीं। और इसके बारे में तुम्हें बता दूं कि ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये है किट लेंस के साथ, और एक जो है स्टैंड अलोन या बॉडी ओनली वेरिएंट भी आता है, वो आता है 59,000 का। इसका प्राइस मैं तुम्हें डिस्कस करूंगा आगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें बॉक्स के अंदर यहाँ मिलती है। सो यहाँ पे हमारा अनबॉक्सिंग नाइफ हमारे पास आ चुका है, और जैसे ही तुम पहले बॉक्स को ओपन करते हो तो यहाँ एक छोटी सी पॉली बैग तुम्हें देखने को मिलती है। इसके अंदर 2 चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है बैग, एक छोटा सा बैग जो है सेलर की तरफ से शायद हमें प्रोवाइड किया गया है, और दूसरा जो है हमारा कैमरा। तो बैग की कंडीशन की अगर मैं बात करूँ या क्वालिटी की बात करूँ, तो थोड़ी सी एवरेज मुझे यहाँ पे क्वालिटी लगी, और मैंने लोकल रिटेलर से भी यहाँ पता किया था जाके, तो वो लोग जो बैग प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा बैग है। तो यहाँ बैग को भी 5 out of 10 में देना चाहूँगा। बाकी आप अपना कैमरा जो है इसमें ईजिली कैरी कर सकते हो एक लेंस के साथ, और जो एसेसरीज़ हैं वो कैरी आप नहीं कर सकते, तो बैग के लिए 5 out of 10। सो ये तो होगी बैग की बात, और अब चलते हैं हमारे बॉक्स के ऊपर, कैमरा बॉक्स के ऊपर। तो ये रहा सोनी का ब्रांडिंग इस बॉक्स पे, साथ ही साथ 2 years की वारंटी और 64GB का कार्ड आपको यहाँ देखने को मिलता है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि सील जो है वो टेम्पर्ड नहीं होनी चाहिए, तो सील थोड़ा सा आप लोग देख के इसे परचेज करें, और अगर आप ऑनलाइन इसे ऑर्डर कर रहे हैं तो तुरंत ये बॉक्स रिटर्न कर दें। पर यहाँ अगर मैं मेरे केस की बात करूँ तो ये बॉक्स जो है प्रॉपरली सील पैक है, और यहाँ पे इस साइड में कुछ और इन्फॉर्मेशन ZV-E10 के बारे में, यहाँ पे कैमरा, आपको फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ प्राइस की बात करूँ तो 69,900 या 990 का ये कैमरा आपको मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे बॉक्स पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो इस पर हम लोग नहीं जाते और डायरेक्टली इसे करते हैं अनबॉक्स। पर उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप इसे सिर्फ बॉडी ओनली वेरियंट लेते हैं इसका, या बॉडी सिर्फ लेते हैं, तो 59,000 की पड़ेगी, पर 10,000 मिला के आपको लेंस लेना इसलिए ज़्यादा फीजिबल है, क्योंकि लेंस जो है अलग से अगर आप परचेज़ करने जाएंगे 1650 किट लेंस, तो आपको ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एक परफेक्ट डील है, इसलिए मैंने इसे चुना। तो चलो यार फटाफट करते हैं अब इस व्लॉगिंग कैमरा को अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ पेपर वर्क और वारंटी कार्ड मिलेगा, जैसा कि हर बॉक्स में हमें मिलता है। तो यहाँ जैसे ही हम लोग बॉक्स ओपन करते हैं, और बिल्कुल तुम्हारा भाई सही है, यहाँ सबसे पहले तुम्हें मिलता है वारंटी कार्ड। तो ये रहे वारंटी कार्ड आपके सामने, और जैसा कि बॉक्स में मेंशन किया है कि 2 साल की आपको वारंटी इसमें मिलती है, तो ये चीज़ें आप इस वारंटी कार्ड पे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पेपर वर्क्स कुछ आपको देखने को मिलते हैं, तो पढ़ो भाई आराम से टाइम निकाल के। और इसके बाद आपको यहाँ मिलता है एक सॉफ्ट डैड कैट, जिसे आप इजीली अपने कैमरा पे माउंट कर सकते हो, और नॉइस जो है एम्बिएंट नॉइस उसे रिड्यूस कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे आप डायरेक्टली इसे हॉट शू माउंट पे माउंट कर सकते हो इस डैड कैट को, और इजीली आप अपनी ब्लॉगिंग जो है कर सकते हो। एम्बिएंट नॉइस जो है इसे ये रिड्यूस कर देगा कुछ हद तक, और क्वालिटी जो है मैं आपको बताऊँगा आगे किस टाइप की क्वालिटी आती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलता है एक अडेप्टर जो कि प्रोवाइड करता है पावर आपके कैमरा को, और बैटरी को चार्ज करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आप यहाँ लिमिटलेस जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसी के साथ आपको मिलता है ये स्ट्रैप सोनी की ब्रांडिंग के साथ। तो जो भी लोग अपना कैमरा जो है थोड़ा कैजुअली यूज़ करते हैं वो इस स्ट्रैप को यूज़ करें, मेरा रिकमेंडेशन है ये।
और साथ में यहाँ पे आपको मिलती है टाइप ए टू टाइप सी केबल, डेटा ट्रांसफ़र एज वेल एज चार्जिंग के लिए। तो चार्जर में भी आप इसे लगा के यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी ये यूज़फुल है। और अब आते हैं हमारे कैमरा की तरफ, जो कि है रॉक स्टार भाई इस एपिसोड का। तो बहुत ही प्यारा कैमरा यहाँ आपको देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, जो मुझे अभी फ़ील हो रहा है हाथ में लेके, तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी इस कैमरा की है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे जिसमें कहा गया है कि एवरेज बिल्ड क्वालिटी है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आप इस कैमरा की बोल सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे लेंस जो है इसमें अटैच आता है, तो ये मैं कैप निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। और भी सारी चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे अच्छी चीज़ इस कैमरा की है कि आर्टिकुलेटिंग या आर्टिकुलेटेड स्क्रीन इसमें दी हुई है, और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो रोटेटिंग स्क्रीन दी हुई है। तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड या कोई भी मोमेंट कैप्चर करना, और व्लॉगिंग के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम में आती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, बॉक्स में आपको एक मेमोरी कार्ड मिलता है, 64GB का क्लास 10 मेमोरी कार्ड यहां आपको देखने को मिलता है, जिसकी रीड स्पीड जो है वो 270 Mbps है और राइट स्पीड 70 Mbps, जैसा कि आप यहां कार्ड पे जो मेंशन है वो देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सोनी फॉर प्रोवाइडिंग दिस। और यहीं पे आपको मिलती है एक 1020mAh की बैटरी। तो इस तरीके से आप कंपार्टमेंट ओपन कर सकते हैं और अपनी बैटरी को इंसर्ट कर सकते हैं। तो पिंस जो है उन्हें मैच करना है पोजीशन को, और इस तरीके से इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग बैटरी जो है इंसर्ट कर चुके हैं और कार्ड भी जो है हम लोग यहाँ लगा चुके हैं, तो हमारा कैमरा जो है रेडी हो गया है। इसी के साथ में एक इन्फॉर्मेशन तो मैं देना चाहता हूँ कि यहाँ जो बैटरी है वो डिस्चार्ज रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट, थोड़ी बहुत चार्जिंग उसमें रहेगी। तो सबसे पहले आपको करना है अपनी बैटरी को चार्ज, और उसके बाद करना है इस कैमरा को यूज़। और यहाँ पर मैं इस चीज़ के बारे में बता दूँ कि कुछ कंटिन्यूस पावर सप्लाई भी यहाँ पर आती है, तो उसके लिए ये सेगमेंट दिया हुआ है जिसे आप ओपन करके यूज़ कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस कैमरा की यही लगी कि यहाँ पे कोई भी डेडलाइन नहीं है 30 मिनट्स की, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग आप यहाँ कर सकते हैं। तो अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं फिज़िकल ओवरव्यू की। तो सबसे पहले सबसे अच्छी चीज़ जो है आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन यहाँ पे हमें दी हुई है। तो व्लॉगिंग कैमरा है ऑब्वियसली, इसके लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जितने भी इसमें बटन्स हैं वो उसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ये जूम इन जूम आउट के लिए बटन दिए हुए हैं डेडिकेटेड, ऑन ऑफ़ के लिए यहाँ पे बटन है, और रिकॉर्डिंग के लिए भी एक डेडिकेटेड बटन इसमें दी हुई है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस कैमरा को डिज़ाइन किया हुआ है, और जो स्क्रीन है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन की क्वालिटी आपको दिखेगी। यहाँ मेन्यू वगैरह की बटन्स हैं, वो सब मैं आपको आगे यूज़ करके बताऊँगा। रिकॉर्डिंग के लिए जैसे मैं बता चुका हूँ डेडिकेटेड बटन यहाँ पे आपको दी हुई है। फोकस डीफोकस के लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन है, साथ ही साथ बैकग्राउंड डीफोकस के लिए एक बटन, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप माइक, ट्रिपल माइक्रोफोन सेटअप यहाँ दिया हुआ है। हॉट शो माउंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप फ्लैश वगैरह माउंट करके यूज़ कर सकते हो। व्यू फाइंडर जो है यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है इस कैमरा में। और ये तो हो गई सारी बात इस कैमरा के फिज़िकल ओवरव्यू के बारे में, और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसे आपको सेटअप करना है। सेटअप के बारे में आगे बात करेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं कि इस तरीके से आप इसे होल्ड कर सकते हैं व्लॉगिंग के लिए, और यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन को रोटेट करके यूज़ कर सकते हैं। बटन की पोजीशन जो है परफेक्टली आपको दी हुई है रिकॉर्डिंग बटन की। राइट साइड में इस कैमरा के आपको कुछ नहीं मिलता देखने के लिए, और फ्रंट साइड में ये लेंस है। तो इसे माउंट अनमाउंट करना थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, थोड़ा सा जो लेंस है वो टाइटली माउंटेड है इसमें, तो आपको ये बटन प्रेस करनी है और इस लेंस को जो है एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। इस तरीके से आप जो है लेंस जो है बाहर निकाल सकते हैं और इसे इंस्टॉल कर सकते हैं कैमरा में। तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसे घुमाया, और यहाँ पे ये कैमरा हमारे हाथ में, और थोड़ी सी जूम लेंस के कारण या टेलीफोटो लेंस के कारण हमें नॉकिंग की जो हल्की सी नॉकिंग है वो यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ आपको वाइड टू वाइड जो है डॉट मैच करना है, और अपने लेंस को जो है इधर इंसर्ट कर देना है कैमरा में या इंस्टॉल कर देना है। तो इस तरीके से ये जो मैकेनिज्म है वो वर्क करता है। और अगर लेंस की मैं बात करूँ, 1650 किट लेंस यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एपर्चर या जूम को कंट्रोल करने के लिए एक नॉब दिया हुआ है, और यहाँ पे एक रोटेटरी डायल जो है वो दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप जूम इन जूम आउट अपने लेंस को कर सकते हो या एपर्चर कंट्रोल कर सकते हो। इसी के साथ अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूँ, तो यहाँ पे एक माइक्रोफोन के लिए आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है, जिसमें आप अपना माइक्रोफोन अटैच करके यूज़ कर सकते हो एक्सटर्नल। और साथ ही साथ अगर मैं नीचे के कंपार्टमेंट की बात करूं, तो यहाँ पे टाइप सी पोर्ट चार्जिंग या डेटा ट्रांसफर के लिए आपको मिलता है, HDMI पोर्ट मिलता है, मिनी HDMI, और हेडफोन इन पोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने वीडियोज़ के साउंड को मॉनिटर कर सकते हो। तो ये हो गई लेफ्ट साइड की बात, और अब हम कर लेते हैं कैमरा को चार्ज, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको अपने कैमरा को सेटअप करना है ZV-E10 को। तो यहाँ पे ये हमारे पास है पावर कॉर्ड, और इसे हमने कनेक्ट कर दिया है अपने अडैप्टर से।
और दूसरा साइड जो है वो टाइप ए टू टाइप सी के लिए हमें दिया हुआ है, तो ये भी हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद जैसे ही आप इसे अपने कैमरा से कनेक्ट करेंगे तो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपका कैमरा चार्ज हो रहा है वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। तो यहाँ पर हम लोग इसे अटैच कर देते हैं अपने पावर प्लग में, और दूसरा साइड जो है टाइप सी वाला उसे करूँगा मैं कनेक्ट अपने कैमरा से। तो यहाँ पर मैं अपना कैमरा जो है वो पिक कर लेता हूँ, और यहाँ लेफ़्ट साइड में जो कंपार्टमेंट दिया हुआ है उसमें हम अपने टाइप सी कॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। और चार्जिंग कैसे होगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होगा इसलिए क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूज़न हुआ था। तो यहाँ जैसे ही आप इसे कनेक्ट करेंगे तो आपकी चार्जिंग जो है ऑन हो जाएगी। अगर ये कैमरा जो है ऑन स्विच ऑन मोड पर रहता है तो यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं दिखेगा, जैसा कि मैं भी यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। बट अगर आप अपने लेफ़्ट साइड में देखेंगे ऑफ मोड पे इसे रख के, तो यहाँ पे ये छोटी सी लाल लाइट जो है रेड लाइट ब्लिंक होगी और कंटिन्यूएशन में ये जो है यहाँ पे जलती रहेगी जब तक ये कैमरा चार्ज नहीं हो जाता या बैटरी चार्ज नहीं हो जाती तब तक। और जैसे ही आप अपना कैमरा फुल चार्ज कर लेंगे और पावर ऑन करेंगे अपने कैमरा को, तो इस तरीके का मैकेनिज़्म आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसे ऑफ भी करेंगे तो ये लेंस जो है अपने आप अंदर चला जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही भाई ख़तरनाक या अट्रैक्टिव मुझे लगी। और इस तरीके से आपको अपने लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप लगा देना है वापस। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने कैमरा को सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो स्क्रीन है इसे आपको ओपन करना है और पावर ऑन करना है अपने कैमरा को। तो यहाँ मैंने इसे पावर ऑन कर लिया है और यहाँ पे सेटअप मोड में ये कैमरा आ गया है, जो इनिशियल सेटअप हमें यहाँ मिलता है। तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, जनरल कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सेट करनी है। डेट टाइम वगैरह आप अपने जोन के हिसाब से, अपनी कंट्री के हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हो। और जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाती है तो आपका कैमरा जो है स्टार्ट हो जाएगा। और रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो फ़ोटोज़ में आपको यहाँ पे आउटपुट मिलता है 24 मेगापिक्सल का, और वीडियो में 4K 30fps का मैक्सिमम। और अब जो अगला सेगमेंट आने वाला है वो है सैम्पल फुटेज का, जो कि मैंने ऑटो मोड पे रिकॉर्ड और कैप्चर किया है। So hi guys, this is Prince and
I'm at the vlogging style with the Sony ZV-E10 and the sound you are experiencing right now is directly from the internal mic of the camera. So I'm walking right now and the camera is handheld. There is no gimbal and I will test it with the gimbal as well and with the external mic also. So subscribe the channel for more videos. तो उम्मीद करता हूँ कि सैंपल्स आपको पसंद आए होंगे और ऑटो मोड पे ही सारे सैंपल्स मैंने कैप्चर किए हैं, चाहे वो हो फोटो या वीडियो। तो एज ए लेमैन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने ये कैमरा यूज़ किया है। और अगर आप बात करें प्राइसिंग की, तो अमेज़ॉन से मैंने इस कैमरा को परचेज़ किया था एट द प्राइस ऑफ 64,000 और 4,000 का एडिशनल डिस्काउंट मुझे क्रेडिट कार्ड पर मिला था। दिवाली के टाइम की ये बात कर रहा हूँ मैं तुमसे। और अगर मैं बात करूँ आज की डेट की, 7th of November 2022, तो इस कैमरा की प्राइस है अभी अमेज़ॉन पर 63,000 अप्रॉक्स। तो जाके तुम प्राइस चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हो। और मेरी रिकमेंडेशन अभी भी ये रहेगी कि तुम इसे किट लेंस के साथ ही परचेज़ करना, उसमें ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें होगा। तो चलो यार, ख़त्म करते हैं ये एपिसोड यहीं पे। रात बहुत हो गई है, तुम्हें मेरी आवाज़ से समझ में आ ही रहा होगा। अगर ये एपिसोड तुम्हें पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर प्रेस करना। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल पाए। और मैं एनालिटिक्स में चेक करता हूँ यार, तुम लोग वीडियो देखते हो और साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये बहुत गलत चीज़ है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और खुशियाँ बांटो यार। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।